नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जो बच्चे NTPC 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जिस भी बच्चे ने ये वीडियो पूरा बिना स्किप किए देख लिया आपका सिलेक्शन RRB NTPC CBT 1 में 100% हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों जीके के वो कौन से प्रश्न हैं 99% बच्चे जिनको गलत कर कर आते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे जिनको क्वेश्चंस को गलत कर कर आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इसके अंतर्गत देने वाला हूं। और जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए 100% उसका सिलेक्शन पक्का है। आपको एक और चीज बता दूं कि ये पूरी तरह से बेस्ड है 2015-16 के NTPC के एग्जाम में, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हमने बोला है सिलेक्शन वाले प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों क्योंकि ये इस सीरीज का पहले नंबर का वीडियो है, इसलिए मैं आपको एक मिनट के अंतर्गत कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे कि इस सीरीज में कितने वीडियो आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ आपको PDF कैसे मिलेगी इन क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये बहुत ही कम क्वेश्चन है, सिर्फ 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा। 20 वीडियो के अंतर्गत हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही जो कम समय में, मतलब कम क्वेश्चन पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज। ये सीरीज जिसने फॉलो कर ली वो सोचिए कि 100% उसका सिलेक्शन पक्का है, मतलब सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। PDF कैसे मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा PDF कैसे मिलेगी। साथ साथ ये बता दूं कि जिसने भी ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देख लिया वो 100% सिलेक्शन मिलेगा। आप पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे 2015-16 के NTPC के एग्जाम में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं फटाफट सभी बच्चे एक लाइक करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने ही जल्दी आपके ये 20 वीडियो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन है, बहुत सबसे छोटी सीरीज है हमारे चैनल की, जिसने फॉलो कर लिया 100% सिलेक्शन है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। PDF के बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के अंतर्गत आपको PDF कैसे मिलेगी। साथ साथ आपको बता दूं कि आपको कमेंट बॉक्स में अपने RRB जोन का नाम लिखना है। क्यों लिखना है बता दूंगा। RRB जोन का नाम इसलिए लिखना है जैसे कि RRB भोपाल है, तो RRB भोपाल आपको लिखना है, जिससे कि क्या होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीरीज के हम उस जोन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, जिस जोन के ज्यादा बच्चे होंगे उस जोन के क्वेश्चन लिए जाएंगे। अगर भोपाल है तो भोपाल लिखिए, पटना है तो पटना लिखिए, और अगर आपका RRB जोन मुंबई है तो मुंबई लिखिए। आपका जो जोन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम उस जोन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2015-16 में किस तरह के क्वेश्चन उस जोन में पूछे गए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की भी पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। तो नोट करना दोस्तों, ये की गई थी उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसने भी सही कर लिए 100% सिलेक्शन है। नोट करना किसकी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। तो नोट करना दोस्तों, शाहजहां के। कौन सा शासक था वो, शाहजहां था, जिसके शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो नोट करना दोस्तों, ये करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत है एक, बताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। नोट कर लेना दोस्तों, राज्यों का संघ कहते हैं भारत को। क्या कहते हैं, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली इनमें से कौन सी, बताएंगे दोस्तों। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, तो नोट करना दोस्तों, सांख्य दर्शन है। कौन सी है, सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया। तो नोट करना दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा सबसे पहले कौन लाया था हमारे देश में, तो ये लाए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1000 ये। नोट करना, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या फिर कंप्यूटर का मुख्य निकाय है, मेन पार्ट इनमें से कौन सा है। संगणक मतलब या फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर में हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो नोट कीजिए दोस्तों, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड मेन पार्ट है इनमें से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो नोट कीजिएगा, सो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों, चाप झील कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चाप झील। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री इनमें से कौन था? बताएंगे बच्चों, लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मंत्री इनमें से कौन था? तो नोट करना दोस्तों, हलायुद्ध। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? बताएंगे, नदी की तरुणावस्था में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है दोस्तों, घाटी को गहरा करना। जब नदी तरुणावस्था में होती है उसकी, तो वो घाटी को बहुत गहरा करती है, क्योंकि मिट्टी हटाती जाती है वहां पर तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, लूना किस खेल से संबंधित? बताएंगे बच्चों, स्पोर्ट्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट करना दोस्तों, लूना किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। किस खेल संबंधित है? कबड्डी। अगला प्रश्न, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया? बताएंगे दोस्तों, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नोट करना दोस्तों, ये वॉलरस के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? वॉलरस के द्वारा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? बताएंगे बच्चों, हीराकुंड परियोजना में से किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो ये करता है दोस्तों, महानदी। कौन सी नदी है वो? महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नोट करना दोस्तों, वॉलीबॉल की एक टीम में छह खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? छह। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक? बताएंगे दोस्तों, ब्रिज इनमें से किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, कुश्ती में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है? कुश्ती। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं, कौन सी कोशिकाएं होती है? कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों, सहायक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? तो ये होता है दोस्तों, उसका विधायी अधिकार। किस प्रकार का अधिकार होता है ये? अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? सीएजी की नियुक्ति, तो ये की जाती है दोस्तों, छह वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होती है? छह वर्षों के लिए। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांता इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? बताएंगे कौन से युग में हुई है? तो नोट करना दोस्तों, ये हुई है आपके वैदिक युग में। कौन से युग में हुई है? वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न के, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो नोट कीजिएगा तो CDC 6600। नोट करना, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो CDC 6600। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे? तो नोट करना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। कहां पर गुजारे थे? श्रवण बेलगोला। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल पूछे जाएंगे कंप्यूटर क्वेश्चन। तो नोट करो दोस्तों, क्रैश कहते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी क्रैश हो जाते हैं, वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं, जैसे कि अगर आप बहुत सारे लोग एक साथ पहुंच जाएं तो क्रैश हो जाती है, तो उसे कहते हैं कर्नल भंग को ही क्रैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के वास्तुकार कौन है? तो नोट कीजिए दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, आउटू ग्रंथि। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो आउटू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, किस देश ने पूर्वी यरूशलम में 500 से अधिक आबादकार घरों की अनुमति दी है? बताएंगे, किस देश ने पूर्वी यरूशलम में 500 से अधिक आबादकार घरों की अनुमति दी है? तो ये दिए दोस्तों, इसराइल ने दिए। नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने दिए? इसराइल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये है आपके पंडित जसराज, जो कि एक प्रसिद्ध गायक है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार वी एस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? बताएंगे, भारत का नेपोलियन किसको कहकर पुकारा था? तो ये पुकारा दोस्तों, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता ना,
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, पेबाकी से क्या तात्पर्य है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, पेबाकी से तात्पर्य है अप्रदत्त जागीर भूमि। पेबाकी से क्या तात्पर्य है? अप्रदत्त जागीर भूमि, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, थोरियम। जो केरल में समुद्र तट है वहां की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए एक टीके की खोज की थी? बताएंगे, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए एक टीके की खोज की थी? तो ये की थी दोस्तों उन्होंने चेचक के लिए। किसके लिए? चेचक के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बताएंगे बच्चों, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो नोट करना दोस्तों, बाणभट्ट ने। कौन है? बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो नोट कीजिए दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है श्रेय। किसे जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया था? तो यह किया गया दोस्तों 1853 में। कब किया गया था? 1853, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो यह होता है दोस्तों स्कूबा डाइविंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्कूबा डाइविंग, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोट करना दोस्तों, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो दोस्तों नोट करना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लिया गया था, जो गवर्नर जनरल है जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था अंग्रेजी को। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, कौन सा रहने वाला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादित किस राज्य में है? सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो नोट करना दोस्तों, मध्य प्रदेश टॉप पर आता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? तो इसको मार गिराया था दोस्तों उधम सिंह ने। किसने मार गिराया था? उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न की, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, 1935 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार भारत के लिए एक संघीय संरचना की प्रस्तुति दी गई थी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो नोट करना दोस्तों, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो यह करती है दोस्तों कॉपर धातु की, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषित की जा सकती है? बताएंगे, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? यह पूछा गया है, मैंने आपको बहुत बार बताया, अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो नोट करना दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है? योजना आयोग। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है? दोस्तों प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, सीपीयू शेड्यूलर को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नोट करना दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलर होता है उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है? किसको त्याग पत्र दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष? तो ये दे सकता है दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों, पटकाई पहाड़ियां इनमें से किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? तो इसका संबंध दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नोट करना दोस्तों, ये बहती है आपकी नर्मदा नदी, भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? तो ये दोस्तों स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था निष्क। किसको कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। तो दोस्तों इसका मैंने पहला वीडियो कंप्लीट कर दिया है, टोटल 20 वीडियो आएंगे, हर वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं आपको, पीडीएफ कैसे मिलेगी इसकी, ये 1000 क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको 20 वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने वीडियो आते जाएंगे प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया। पीडीएफ कैसे मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया, वहां पर आप फॉर्म भर दीजिए। 1 से 2 दिनों में जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनको मिलने लगेंगे, मैसेज आने लगेंगे, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। 1 से 2 दिनों में आपको पीडीएफ लॉन्च कर दी जाएगी, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना है, जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है। आरआरबी भोपाल से भरा है तो भोपाल लिखिए, अगर आरआरबी पटना भरा है तो पटना, आरआरबी मुंबई भरा तो मुंबई। क्योंकि क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में उन जोन को कवर करूंगा जिस जोन में जिस तरह के टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हमारे पास जिस जोन से हैं उसके लॉन्च किए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने ही जल्दी हम इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लॉन्च करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपके ही जल्दी 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जाम के पहले कंप्लीट करा दी जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं बेटा, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं किया तो कर लेना, और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेना, नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।